अभ्यर्थी और इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं बिहार के तमाम श्रोताओं दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अचरित भाइयों को शुभकामना देता हूँ कि आज बहुत दिनों के परिश्रम के पश्चात काउंसलिंग का डेट आया है और वो काउंसलिंग के डेट आने के पश्चात सभी जो जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ अभी तक वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनको हर तरह से प्रयास करना भी चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया कि अचयनित अभ्यर्थी जिनका मेगा अंक कम है वो कौन सी तैयारी करें ताकि उनकी काउंसलिंग सुनिश्चित हो सके, उसके लिए हम सभी अचयनित अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखें और इस समय मेहनत करें तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे जो अचयनित भाई हैं उनका चयन हो सकता है। जैसे सबसे पहले आप मेघा सूची का प्रकाशन कराएं, जहां पर रद्द हुआ है या जहां पर काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई उन नियोजन इकाई में जिस जिला से संबंधित है उस जिला के अभ्यर्थी डी ऑफिस में या डीपीओ से मिल करके और अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन कराने का काम करें और देख लें कि उस जिला में कहां कहां पर काउंसलिंग एक बार भी नहीं हुई है अभी तक और कहां पर हुई थी तो रद्द कैसे हुआ और कितने नियोजन इकाई में रद्द हुआ, इसके बारे में आंकड़ा जिलावार आप लोग निकालिए और वहां पर काउंसलिंग का डेट ये काउंसलिंग करने के लिए अंतिम मेघा सूची का प्रकाशन कराना बहुत जरूरी। उसके पश्चात आप देखें कि आपने कहां कहां अप्लाई किया और आपका जहां जहां अप्लाई आपने किया है क्या वहां पर काउंसलिंग एक बार हुई है या नहीं हुई है, या अगर हुई है तो रद्द हुआ है तो वहां पर आप मेगा सूची में ये देखें कि मेरा कैटेगरी वाइज पोजीशन क्या है। अगर पोजीशन अगर आपका ऊपर है परसेंटेज है और जहां पर लग रहा है कि हमें जाने से 100% काउंसलिंग हो जाएगी सुनिश्चित हो जाएगी आप वहीं जाए, ऐसा नहीं कि आपका जो क्योंकि कैटेगरी वाइज देखना बहुत ज़रूरी होता है उसी के अनुसार सीट देखें कितना सीट है और उस मेगा सूची में मेरा स्थान कहाँ है, क्या हम वहाँ जाएंगे तो हमारा काउंसलिंग निश्चित होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों पर आप लोग अभी से ही लग जाएंगे। और अब ये सब नुक्ताचीनी शिक्षा मंत्री ने क्या कहा और लोग क्या कह रहे हैं इन सब चीज़ों को छोड़िए और अपने अपने जहाँ पर आपको काउंसलिंग करानी है उस पर ध्यान दीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जिस विषय में जिस कैटेगरी में है वहाँ सीट कितना है और आपका स्थान कहाँ है तो उसको आप ध्यान में दे करके पूरी तैयारी में आप लोग लग जाइए और काउंसलिंग कराइए। हमें लगता है कि अगर इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग फायदा में रहेंगे और आप लोगों का काउंसलिंग कहीं ना कहीं होगी और चयन भी होगा। तो इन चीज़ों को अभी विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें, बाकी चीज़ों पर अभी कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या बोले मंत्री जी ने क्या कहा, वो सब एनालिसिस तब करेंगे जब आपका कहीं ना कहीं चयन हो जाएगा और चयन हो जाएगा तो आप भी अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे, तब आप भी लगेंगे कि हमें अब नियुक्ति पत्र के लिए क्या करना है। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि अपनी काउंसलिंग पर अभी फोकस कीजिए आप लोग और थोड़ा जिला में जरूर आप लोग ध्यान दीजिए, वहां पर निकालने का प्रयास करें कि वहां का जो मेघा सूची प्रकाशन। जी सर, जैसे कि मैं इसमें एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि कई हमारे साथी कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा स्थान कितने नंबर पे है और भी साथी हैं उनका चयन हुआ है, तो आप जिला स्तरीय NIC के वेबसाइट पे जाइए, सेलेक्टेड कैंडिडेट का वहाँ पर लिस्ट आपको दिख जाएगा, प्रत्येक विषय का चाहे 1-5 का हो वो भी आपको दिखेगा। यदि आपको वहाँ पर नहीं भी दिखता है तो हमारे राज्य स्तरीय वेबसाइट जो है वो भी बनाया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसका भी लिंक मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
वहां से आप लोग डाउनलोड करके और उसमें आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि कितने मेरिट तक वालों का पहले चयन हुआ है, अब कहां पर मैं जाऊंगा तो मेरा आसानी से चयन हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और इस पे मैंने आप सभी को दो वीडियो पहले ही दे चुका हूं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुमारी वंदना जी के पास में मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि महिला शिक्षक अभ्यर्थी को आगे आना ही होगा, क्योंकि यदि आपको नियुक्ति पत्र चाहिए तो महिला शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं उनको मैदान में आना ही होगा। तो मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वंदना दिए लेकिन वो डेट तो कायम नहीं रहा और वो अभी भी डेट हम लोग को दिए हैं फरवरी का, उस डेट से हम खुश नहीं है, या जो भी हो तमाम जो इस चैनल से दर्शक लोग देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, जो हमारे चयनित भाई बंधु हैं वो खुश नहीं है क्योंकि उनका एक भी डेट सक्सेस नहीं है। हमें उनका वो डेट चाहिए जो एक ऑफिशियली हो या बांग पत्रांक के साथ लिखा हुआ रहेगा, तभी हम, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डेट आ रही हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। जी ठीक है, आपने अच्छा कहा है और स्वाभाविक है, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, 15 अगस्त, दीपावली, सब कुछ फेल हो गया, नया साल, फिर नया साल से एक महीना आगे का बयान दिए हैं, तो ठीक है आप लोग इस पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जो रणनीति है उसके लिए आप सभी को हर समय सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। यदि फरवरी और मार्च का महीना आप सभी के हाथ से निकल जाएगा तो फिर उसके बाद आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलना उतना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि एकजुटता में ही बल है, अपनी जो गतिविधि है उसको जारी रखिए। चलिए मैं जिला अध्यक्ष जो है बांका के, उनके पास में जाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत तेजी से मतलब वायरल हो रही है वो PDF और वो वीडियो जिसमें कहा गया है कि CTET का जो उनका प्रमाण पत्र है वो स्कैनिंग में ठीक से नहीं आ रही है। तो सर आप मुझे ये बताइए, आपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बात किया है शाम को और मैंने भी किया था, तो आप क्या बताना चाहते हैं जितने भी चयनित बांका जिला के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी आवाज आप सुन पा रहे हैं? शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं दिलीप जी के पास में जाना चाहूंगा, बहुत दिन बाद हम सभी के बीच में आए हैं। क्या सर, अब तो आप खुश होंगे, आ गया है आपका नियुक्ति पत्र का डेट। सबसे पहले ऑल TET तैयारी में जितने भी हमारे भाई एवं बहन जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। जी, राजेंद्र सर को, जी जी बोलिए सर बोलिए। बोलिए दिलीप जी। हाँ बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री का जो आप कह रहे हैं कि बयान आया है, शिक्षा मंत्री का तो आप बयान देख चुके हैं, तो 4-6 महीना से हर बयान आप देखते हैं कि किस तरह का बयान देते हैं कि 15 अगस्त तो कभी दीपावली तो कभी छठ। अभी हम उनका वीडियो नहीं सुन पाए हैं चूँकि हम बाइक पे थे। अब आप लोग कह रहे हैं कि वो कहे हैं फरवरी मार्च में दे देंगे, मुझे तो नहीं कहीं लगता है जब तक ऑफिशियल कोई लेटर जारी नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा कि ऑफिशियल साइट पे काउंसलिंग का डेट आया था 14 से 22 ये दिसंबर, और क्या पदाधिकारी को नहीं पता था कि 14 को काउंटिंग है 15 को काउंटिंग है, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया जाता है क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा था और हम पता था कि विधानसभा सत्र में ये क्वेश्चन बार बार आएगा। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है ये आंदोलन को देखते हुए शेड्यूल जारी किया गया और उस शेड्यूल में भी ऐसा क्लू छोड़ दिया गया जिससे जो है वो शेड्यूल को एक बहाना बनाकर कैंसिल किया जाए। और फिर से देखिए 17 जनवरी से लेकर के 28 यानी एक महीना काउंसलिंग में ले लिया गया है। News 18 पता नहीं, News 18 को तो सरकार जो है मोहरा बना करके रखी है, आगे कर देती है और उनको कहती है कि आप कहिए। वो पूरा दावा के साथ कह रहे थे कि 5 से 15 जनवरी के बीच में हम नियुक्ति पत्र देंगे, बताइए। और एक बार नहीं 1000 बार वो बोल के गए हैं, पता नहीं
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे तो कहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो फरवरी मार्च कर रहे हैं, जब तक कोई ऑफिशियल लेटर, अच्छा अभी यदि इनको फरवरी मार्च में करना था तो काउंसलिंग का जो लेटर दिए हैं क्या उसमें ये फरवरी मार्च या अप्रैल कन्वेंशन नहीं कर सकते थे कि हम फलाना डेट को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? तो मुझे तो कहीं नहीं लगता है सर।